प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर हो जा। उसके बाद संतान की परवरिश कर दें, उनका विवाह कर दें, उनके फिर संतान हो जा, हमारा कुल चल जावे और फिर हम बेशक मर जावे, नो प्रॉब्लम, हमारा काम पूरा हुआ। ऐसे सुनने को हमें मिलता था, ये बूढ़े बुजुर्ग बैठ कर बतलाते थे तो यही कहा करते, भाई हमारा काम पूरा हो गया, बच्चों का विवाह कर दिया और इनका संतान दे दी परमात्मा ने, अब हम बेशक मर जावा, हमारा काम पूरा हुआ। अब पता चला कि उन्होंने जो मनुष्य जीवन का कार्य था तो स्टार्ट भी ना करा, पूरा खाक हुआ था। ये क्रिया तो पशु पक्षी भी करके मर जाते हैं, जो एक मानव कर रहा होता है। भक्ति बिना नरखर एक है, जिन हर पद नहीं जाना। ओए ये सूक्ष्म वेद कितना गजब का ज्ञान है कि बिना भक्ति के मनुष्य और गधे में कोई अंतर नहीं। अपने कर्मों के भार से सभी लदे फिर रहे हैं और जिन्होंने हर पद नहीं जाना, हर पद का अर्थ है गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर ने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है, जो कुल का मालिक है, केवल उसकी भक्ति करो। तो ये कहना चाहते हैं परमात्मा के जो भक्ति भी कर रहे हैं और जिनको उस परम पद के पाने की विधि प्रॉपर है नहीं, ज्ञान नहीं है, तो वो भी मनुष्य जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। अब आप अपनी किस्मत को जांच कर देखना, अन्य जो संतों के पास बोले श्रद्धालु अपना जीवन नाश कर रहे हैं, वो कौन सी साधना कर रहे हैं और आपको क्या अमृत और क्या वो खजाना प्राप्त हुआ है जो उनके आसपास भी नहीं है। आपको वो ज्ञान और वो भगवान और वो मूल मंत्र मिले हैं जो कुछ महापुरुषों के अतिरिक्त आज तक किसी को प्राप्त नहीं हुए थे। उन महापुरुषों में से गिने चुने ये 5-6-7 महापुरुष हैं, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुरुखदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुराने जिला दद्दर हरियाणा वाले, आदरणीय गीसादास साहिब जी गांव खेखड़ा जिला बागपत उत्तर प्रदेश, और नामदेव जी, यानी कुछ महापुरुषों को परमात्मा विशेष रहम करके मिले, इनको ये मंत्र प्राप्त हुए थे। इनको आगे प्रतिबंध लगा दिया था कि अभी इनको अन्य समाज में डिक्लेयर ना करना, डिस्क्लोज नहीं करना, नहीं तो पिछली पीढ़ी तक ये सभी काल के भेजे हुए संत यही क्रिया, यही नाम, यही साधना बताने लग जाएंगे। और ये अधिकारी है नहीं, क्योंकि अधिकारी के बिना ये नाम प्राप्त भी किसी से कर लिया तो काम नहीं करेगा। तो इसलिए वो ज्ञान यही बता रहे होंगे तो भिन्नता नहीं हो पावेगी मेरे बच्चों को। तो उन महापुरुषों ने अपना नाम जपा, अपने अमृतवाणी में उनको लिख भी दिया, संकेत भी कर दिया, लेकिन अपने अनुयायियों को किसी को बताया नहीं। अब उस शेष कार्य को संपूर्ण करने के लिए परमात्मा ने अपने इस कुत्ते को रामपाल दास को भेजा है, जो आज भौंक रहा है, आपको जगा रहा है, और आप कुंभकर्ण की नींद सोए पड़े हो, ये गोल्डन चांस आपके हाथों से जा रहा है। मानुष जन्म दुर्लभ है ये मिलन बारंबार,
तरवर से पत्ता टूट गिरे भाई बहुर न लगता डार। परमात्मा कहते हैं कि मानुष जन्म बड़ी ही दुर्लभ है, बड़ा मुश्किल से प्राप्त होता है, और एक बार आपके हाथ से छूट गया आपकी मृत्यु होगी तो ऐसे हो जाएगा जैसे वृक्ष से पत्ता टूटकर ना जाने कहाँ गिरता है, कि तो गंदे नाले में या पशु के पैरों के तरह कुचला जाता है। अर्थात 84 लाख योनियों के इस कोल्लू में, इस गंदे नाले में फिर से गिर जाओगे यदि सत भक्ति नहीं की और आपका मोक्ष नहीं हुआ तो। उसके लिए परमात्मा हमें संकेत करते हैं, रह रह कराते हैं, समझाते हैं, क्योंकि यहाँ दो शक्ति काम कर रही है विशेषकर, एक सर पुरुष एक परम अक्षर पुरुष। यहाँ पर अक्षर पुरुष का विशेष रोल नहीं है, अक्षर पुरुष का रोल वहाँ शुरू होता है जहाँ हमने उसके लोक से गुजरना है, इसलिए उसकी वहाँ से गुजरने की जो कमाई है वो यहीं पूरी करके साथ लेकर हम चलेंगे, तब वो हमें आगे जाने देगा, उसका टोल टैक्स देना पड़ेगा, नहीं तो नहीं जाने देगा। लेकिन यहाँ पर दो पुरुष हैं, दो भगवान हैं, दो प्रभु हैं, एक सरपुरुष जो ज्योत स्वरूपी निरंजन काल कहलाता है, जिसके 21 ब्रह्मांड हैं, जिसमें हम गलती से फंसे हुए हैं, और ये नहीं चाहता कि इन प्राणियों को कोई मूल ज्ञान, सही ज्ञान हो, सही भक्ति ये करें, ये नहीं चाहता, ये नहीं चाहता कि मेरे जाल से कोई जीव यहाँ से निकल जाए, ये सुखी हो जाए, ये चाहता है कि इनको यहीं रखूँ, इनकी दुर्गति करूँ, क्योंकि हम परम अक्षर ब्रह्म के बच्चे हैं, चिट्टी से लेकर हाथी तक, और हमने गलती की थी जहाँ वो सुख स्थान है, जहाँ हम पहले रहा करते सतलोक में, अपनी गलती से हम इसके साथ आगे भगवान छोड़ गए। इसने वहाँ एक ऐसी गलती की थी, सरपुरुष ने, ये भी वहीं था, दुर्गा भी वहीं थी, इसने दुर्गा के साथ बद व्यवहार किया था, जिस कारण से परमात्मा ने इसको 21 ब्रह्मांड समेत निष्कासित कर दिया था, और हम अपनी गलती से, अपनी मूर्खता से वह बड़ी थाली का ठोकर मार कर सर्व सुख छोड़ कर इस नकली भगवान ज्योत निरंजन सर्वपुरुष के साथ आगे इसके विमान में बैठ के, 21 ब्रह्मांड के विमान में, अपनी सब इच्छा से परमात्मा के मना करते हुए। अब परमात्मा ने इसको उस सुखमय स्थान से निकाल दिया, क्योंकि वहां गंदे आदमी का ठिकाना नहीं है। अब ये प्रतिशोध ले रहा है हमारे साथ कि ये परमात्मा के बच्चे हैं, और इनको ऐसी दुर्गति करूंगा इनकी, वो रोएगा बैठा बैठा, सतपुरुष परम अक्षर ब्रह्म कबीर भगवान, और वही इसने कर भी रखा। या कोई जीव सुखी है, राष्ट्रपति से लेकर और एक कंगाल तक, उसका देख लो इतिहास जाकर, ये तो मनुष्य जीवन की हालत है। और फिर अन्य प्राणी, कुत्ता क्या खाता है, सूअर क्या खाता है, गधा क्या कर रहा है, और अन्य पक्षी सारा दिन ओले गिरते हैं, भूख है, प्यास है, हाहाकार मची है, बड़ा छोटे को खा जाता है, जंगल में देख ले वो उसके पीछे पड़ रहा है, मनुष्यों की यही वृत्ति है, और घर घर में आग लगा देता है, ये सासुओं की झगड़ा, आपस में पता नहीं किसके साथ के पंगा पवा दे, सारी उम्र टेंशन में जावे, अपनों का दुख अपनों को ही होता है। और स्वयं परमात्मा आकर कहते हैं, मैं रोवत हूँ सृष्टि को, ये सृष्टि रोए मोहे, ग्रीव दास इस वियोग को समझ न सकता कोई। अब वो परमात्मा है जो सब दुख दूर करता है, सब संकट का निवारण करता है, और हम उसको छोड़कर इस नकली के पीछे पड़ गए, हम इसको संकट मोचन मान बैठे, इस नकली भगवान को, ये तो संकट देने वाला है, हरण करने वाला नहीं है। संकट मोचन कौन है? वो कबीर परमेश्वर है।
जब इस आत्मा को ज्ञान होता है तो उस परमात्मा के लिए तड़प उठती है। अभी तो आप बच्चे हो, आप जिन काल की भांग घनी पी रखी है, और यह उतरती से उतरेगी उतरेगी इस एंटीबायोटिक औषधि से, तो दास आपको ये तत्व ज्ञान आपके कानों के माध्यम से अंदर आत्मा में भेज रहा है, इससे आपकी अब भांग उतरेगी। कबीर साहब कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी और सब घट आन अड़ी, और किस किस ने समझाऊं या तो कुआ भांग पड़ी है। अब जैसे 10 व्यक्ति शराब पीकर किसी ठेके से आ रहे हों, तो 10 के 10 की एक जैसी भाषा होगी, एक जैसी चाल होगी और एक जैसी गतिविधि होगी, ऐसे लटखटाता चलेगा है। तो जितने भी इस काल के लोक में प्राणी हैं, इन्होंने माया के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं देता। बचपन से इंजेक्शन लगने शुरू हो जाते हैं, बेटा अच्छी कमाई करिए, उस लड़के ने देख कोठी बना ली, फलाने के लड़के ने 2 प्लाट ले लिए, बड़ी बड़ी कार ले रखी है, हम फिर उसी स्पीड से उस माया की भांग को अधिक पीते रहते हैं। और सतगुरु आए दया करी ऐसे दीन दयाले, ये बंदी छोड़ वृतास का है जठरगनी प्रतपाल। सतगुरु आए दया करी ऐसे दीन दयाल, खुद मालिक आए, उसने आकर हमें समझाया तुम कर क्या रहे हो भोले भगतो, और करना क्या चाहिए था तुमने। उसके बाद जब ये ज्ञान सुना, दास की स्थिति ऐसी होगी थी, है भगवान अब क्या करें, इधर के रहे ना उधर के। फिर हिम्मत दी, ज्ञान बढ़ता चला गया कि भक्ति हम इन्हीं क्रियाओं को करते करते आसानी से कर सकते हैं, लेकिन परमात्मा को अधिक महत्व देंगे तो परमात्मा हमारे अधिक निकट आएगा, और फिर हमारे सब काम उस पावर से होंगे, भगवान की शक्ति से होंगे। जैसे पहले हाथ से चक्की पीसा करती माताएं बहनें, ये था मैनुअल, ये तो प्रारब्ध था हमारा, नहीं समझो, प्रारब्ध मिल रहा था जब तक हम कबीर साहब की शरण में नहीं आए थे। और जब इलेक्ट्रिक होगी ये सब चक्कियाँ, अब बटन दाब दे कट्टा कट कट्टा कट, एक घंटे में 1 क्विंटल पीस ले। तो अब पावर से जो काम हो रहा है, जैसे हैंडपम्प पावर से चल पड़ा, पशुओं का चारा काटने की मशीनें होती थी हाथ से घुमाते थे, अब वो पावर से चलती है फटाफट, आप खड़ा खड़ा देख रहा चारा कट रहा है। तो ऐसे इस पर परमात्मा की पावर का कनेक्शन लेने के बाद, यदि आप इसको मेंटेन ठीक रखोगे, कनेक्शन कटने नहीं दोगे, तो ये भगवान की पावर से आपके सारे काम बहुत आसानी से हो करेंगे। तो इसलिए परमात्मा की आवश्यकता बहुत है, और फिर ये ज्ञान से यह भांग भी उतरेगी। संकट मोचन कष्ट हरण हो मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। पहले तो मुझे ज्ञान नहीं था, प्रेम बना ना तेरे में। पहले तो मुझे ज्ञान नहीं था, प्रेम बना ना तेरे में। दीन जान के माफ कीजियो, ये खता हुई बिन बेरे में। दीन जान के माफ कीजियो, खता हुई बिन बेरे में। अनगिन अवगुण भरे मेरे में, माफ करो तकसीर के आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। ये जम्बुक वाली रैन 84 आन गिरा हूँ झेरे में। या जम्बक वाली रात 84 आन गिरा हूँ झेरे में। ऊंची ऊंची
लाई छलांगा यत्न किए बहुतेरे में, ऊंची ऊंची लाई छलांगा यत्न किए बहुतेरे में, काम क्रोध अहंकार लोभ की ये मोटी जड़ी जंजीर के आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। कर्म कुसंगत बहुत किए वो जाते हैं नहीं कहीं, आके आप संभालो दाता 84 में जाह बहे, आके आप संभालो दाता 84 में जाह बहे। जन्म मरण के कष्ट सहे अब मिटो जन की पीर के आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। गुप्त रूप से सब काज सारते जो भी विपता आने पड़, गुप्त रूप से सर्व काज सारते जो भी विपता आने पड़े, एक दिन दर्शन देने होंगे दीन दयाल न्यो नहीं सरे, एक दिन दर्शन देने होंगे दीन दयाल न्यो नहीं सरे। तुम बिन पापी नहीं तेरे मेरा अब गुण भरा शरीर के आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। प्रेमी पक्षी दुखी होते हैं जब भी चढ़ जा रैन पड़े, प्रेमी पक्षी दुखी होते हैं जब भी छुड़ जा रैन पड़े। हम युगों युगों के बिछुड़े फिरते कैसे अब मन धीर धरे, हम युगों युगों के बिछुड़े फिरते कैसे अब मन धीर धरे। जैसे जल बिन मीन मरे मेरी ऐसी हुई तासीर के आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। रजा तेरी से दादू नानक जी का सत्यलोक में वास हुआ, रजा तेरी से दादू नानक जी का सत्यलोक में वास हुआ। 100 प्रश्न उत्तर कीने तब धर्मदास के विश्वास हुआ, 100 प्रश्न उत्तर कीने तब धर्मदास के विश्वास हुआ। भगत के कारण खवास हुआ जागी सुल्तानी की तकदीर के आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। हिरण वाला पैर उलझा लिया पड़मो माया के चक्कर में, हिरण वाला पैर उलझिया पड़मो माया के चक्कर में। अब मोय ज्ञान हुआ मैं आ गया इस काल बली के टक्कर में, अब मोय ज्ञान हुआ मैं आ गया इस काल बली के टक्कर में। हरदम तेरा करूं जकर में आन पड़ी मोह भीड़ के आजे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। पावचनों के लालच में या
बंदर वाली मूठ गही, पावचनों के लालच में या बंदर वाली मूठ गही, मूठ खुले ना जान बचे ना, हे साहेब या कौन भई, मूठ खुले ना जान बचे ना, हे साहेब या कौन भई। रामपाल सतगुरु शरण लई, इब खाई शबद दूध की खीर के आगे शरण तेरी, संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। परम पिता परमात्मा कबीर परमेश्वर वो सर्वशक्तिमान हैं, वो हमारे सर्व संकटों का नाश कर सकते हैं, सर्व सुखदायी है ये परमात्मा। इसमें आत्मा अपना ज्ञान होने के बाद तो परमात्मा को याद करके अपने किए हुए कर्मों को ऐसे याद करेगी। इसमें क्या बताया है कि पावचनों के लालच में या बंदर आली मूठ गही, ये बंदर पकड़ने वाले क्या करते हैं, एक बिल्कुल टाइट से मुंह की एक सुराही बनाते बनवाते स्पेशल टाइप की कुमार से, वैसा करते थे पहले, और वो क्या करते हैं उसको मिट्टी में दबा देते थे, उसकी गर्दन गर्दन थोड़ी सी ऊपर रहती थी, और जिसके अंदर से बंदर का हाथ मुश्किल से प्रवेश तक कर जाता था, और उसमें कुछ चने डाल देते थे, उसका खाद्य जो बंदर को पसंद होता था चने, और कुछ चने उसके आसपास उस सुराही के उस गड्ढे के चारों तरफ डाल देते थे। अब बंदर आता था पहले तो बाहर चने देखकर खाने के लिए वृक्ष से उतर कर, वो चने खाते खाता फिर क्यों, हम बेईमान तो हैं ही, अंदर दिखते ढेर सारे पड़े तो हाथ फंसा के और मुट्ठी भर के, और फिर वो भागने की सोचता है, वो भागे कैसे, मुट्ठी फंस गई, मुट्ठी वो खोल नहीं सकता उसका स्वभाव है, और टट्टी करे और चिल्लावे और मुट्ठी खुल रहे नहीं, ट्र ट्र ट्र, उसको पता है कि मूर्ख ना पता नहीं ना छोड़ दूँ तो बंदर को फिर ऐसे वश करके वो फिर बेचता है कहीं, फिर उसको सारा दिन नाच नचाते हैं, उसकी दुर्गति करते। तो हम ऐसे फंस गए, आके इस काल ने ऐसा कर दिया हमारे साथ। अब ये झूठे सुख छोटी मोटी कोठी बंगले या मूठ भरवा रखी हमारी, रिया हमारे पर छुट्टे नहीं, इतना हम बचा नहीं, आड़े चलाए जाएंगे, रिसर पकड़े रहेंगे। अब परमात्मा ने क्या किया, अब बंदर पकड़ने वाला कई जगह ऐसे सिस्टम फिट कर देता है, 7-8 जगह। कोई नेक व्यक्ति जा रहा था, उसने केले ले रखे थे अपने थैले में, सफर कर रहा था, उसने देखा भाई बंदर फंस गया, उसको मालूम था कि वो किस तरह जकड़ा हुआ है, उसने क्या किया, एक केला डाल दिया उसके हाथ की पोंछ से थोड़ा सा दूर, एक तो उसने फंसाए रखा था उसमें सुराही में, और एक देख लिया इतनी दूर तक इसका हाथ जाए, उसने इतनी दूरी पर केला डाल दिया। अब हम लालच से लालची सोचा यू बिठा ले, बंदर ने सोचा यह ठा, उधर ध्यान गया तो वो हाथ थोड़ा सा ढीला हुआ, चने छूट गए, वो हाथ निकल गया, वो केला ठाक भाग लिया, तई बाप के हाथ में केला दे दिया अपने दास ने, इनमें ठाक भाज दिए। अब ये सतलोक का सच्चा सुख आपको याद दिला दिया, और ये भक्ति रूपी कीड़ा आपके हाथ में दे दिया, तो इसको पकड़ने के लिए आपने वह मूठ छोड़ के आनी पड़ी, अब यहाँ आए हो ना, यह मूठ छुट्टे नहीं थी, हमारे दादे परदादे मरगे उड़े चल्ला चल्ला गए। अब परमपिता परमात्मा स्वयं आते हमें सुखी करने के लिए, और हम पहचान नहीं सके अपने भगवान को, इसलिए परमात्मा कहते मैं रोव तू सृष्टि को, और ये रोव मुझे, ये कहते हे सर्व संकट मोचनहार, हे समर्थ शक्तिवान, हे सच्चे भगवान, हम राम कृष्ण हनुमान के पुजारी थे, और जब आपत्ति आती थी तो क्या करते, हे सच्चे भगवान,
तो इसी से दही भी याद आवा कि ये सच्चे नहीं थे, क्योंकि इनकी भक्ति करते करते दुख आ गया तो ये सच्चे कित हुए। तो फिर नौकरा करते, हे सच्चे मालिक, हे सच्चे भगवान, तो अब हमको पता चला सच्चा भगवान कौन है, तो ये है वो सच्चा भगवान। तो हम रोते हैं, परमात्मा कहते मैं रोता हूँ सृष्टि को, तुम्हें रो रहा हूँ, तुम्हारे लिए भटक रहा हूँ कि तुम जिनकी पूजा कर रहे हो ये सुख नहीं दे सकते, तुमने दुख तो दे सकते, कौन दे सकता है दुख, ये काल भगवान और ब्रह्मा विष्णु महेश अब दुर्गा, ये तो अपने ना सुख दे सकते ना दुख दे सकते, आपका किया कर्म ही दे सकते। और परमात्मा कहते मेरी शरण में आने के बाद तुम्हारे कर्म के अंदर, प्रारब्ध के अंदर, किस्मत के अंदर यदि कोई पाप कर्म भी अधिक हैं उनको भी खत्म कर दूंगा, नाश कर दूंगा। मासा घटे न तिल बधे विदना लिखे जो लेख, ये साचा सतगुरु मेट कर भाई ऊपर मार मेख, जम जो राजा से डरे ये मेटे कुरुम के लेख, अदली असल कबीर है ये कुल के सतगुरु एक। परमात्मा भी कहते हैं अमर करु सतलोक पठाऊं, तात बंदी छोड़ कहाऊं, बंदी छोड़ हमारा नामम, अदर अमर है अस्थिर ठामम। जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की भई पड़े पुराण गासे। परमात्मा कहते हैं मेरे पास एक ऐसा जाल्य मंत्र है, इसका सच्चे ढंग से सच्चे संत से प्राप्त होने के बाद आपके असंग जन्मों के जो संचित कर्म हैं या प्रारब्ध के कर्म हैं उनको ऐसे फूंक देगा जैसे सूखे घास को एक माचिस की तिल्ली से 1000 टन पड़ा हो, एक माचिस की सींक जला कर लगा दो सारा बक्कट ठा देगी और फिर चलेगी तेज हवा, उसको कहीं का कहीं पटक देगी, ठाकर मैदान साफ हो जाएगा। ऐसे परमात्मा के सतनाम के अंदर वो पाप नाशक शक्ति है। जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चतुमंदन जल के तेज नयारे। जैसे सूरज के आगे बादल के, सूर्य के सामने बादल आ जाते हैं तो सूर्य का जो वास्तविक प्रकाश में प्राप्त नहीं हो रहा जो लाभदायक है, और फिर तेज हवा चलती है तो बादल इधर उधर बिखेर देती है तो सूर्य का वो स्पष्ट प्रकाश हमारे तक पहुंच रहा होता है। ऐसे आत्मा और परमात्मा के बीच में हमारे पाप कर्मों की ये बादल छा गए, उसके लिए परमात्मा ने कहा कि जैसे सूरज के आगे बादल बदरा ऐसे कर्म छयारे, और प्रेम की पवन करे चितमंजन फिर जल के तेज नयारे। परमात्मा में प्रेम जागेगा, प्रेम जब जागेगा हम परमात्मा के गुणों से परिचित होंगे, हम फिर इसके ऊपर आसक्त होंगे, आसिक होंगे, कभी रोएंगे कभी गाएंगे और सतलोक के उस सुख को हम रह रहकर याद करेंगे। तो फिर इस मंत्र के जाप से आपकी आत्मा साफ होगी, आत्मा साफ होगी तो आपका प्रेम बढ़ेगा भगवान में, परमात्मा की चर्चा चलेगी, आंखों से आंसू आने शुरू हो जाएंगे। तो वो प्रेम की पवन चलने से फिर वो प्यार के जो आंसू उमड़ने लगे, फिर वो पापों का नाश होने लगेगा, ये पहचान होगी आपकी। अब परमात्मा जैसे दास आपको बहुत बार सुनाया है, सुनाते रहा हूं कि एक समय रामानंद जी को परमात्मा मिले थे 5 वर्ष की आयु में, फिर उनको सचखंड लेकर गए थे, वापस छोड़ा था। उसके बाद रामानंद जी परमात्मा से परिचित हुए थे कि सचमुच एक स्थान है जहाँ हम सुखी हो सकते हैं, हमारी जन्म मृत्यु सदा के लिए समाप्त हो सकती है, और उनको ये भी विश्वास हो गया था कि कबीर परमात्मा है। परमात्मा ने फिर उनको एक आदेश दे दिया था, ये सब दिलो कि इस गुरु शिष्य की मर्यादा बनाए रखने के लिए आप जिन ये भूमिका मेरी आज्ञा से करनी पड़ेगी,
आप मेरे गुरु रूपमर हो गए और क्रिया वो करोगे जो दास बता रहा है, आपको दिखा भी लाया है। और क्योंकि मेरे से ये कोई भी उपदेश नहीं ले रहा, विशेषकर ब्राह्मण वर्ग, और आप भी भक्ति जारी रखो और इस प्रथम पांच नाम को ही देना और मंत्र नहीं देना जो दास आपको साथ देता है। लेकिन रामानंद जी सारा कुछ देख भी लिया था और स्वामी रामानंद जी वेदों के बहुत बड़े ज्ञाता माने जाते थे, क्योंकि ये नकली ऋषि जितने हुए सारे ही हमें बहका रहे थे, हम इनको विद्वान मानते थे, वेदों के कोई इन्होंने कंठस्थ याद कर रखा था, कोई ब्राह्मण चतुर्वेदी कहलाता था जिसने चारों वेद घोट रखे थे, कंठस्थ याद थे वो चतुर्वेदी कहलाता था, जिसने तीन वेद याद करा करते उनकी परंपरा में तो उनको त्रिवेदी कहने लगे, जिसने दो वेदों को कंठस्थ याद कर रखा था उसको द्विवेदी कहते थे, और इनको वेदों के बारे में कह कह का पता नहीं था, कह कह भी नहीं जानते थे। ऐसे स्वामी रामानंद जी विद्वान पा करे थे, बड़े विद्वान हैं, वेदों का बड़े गूढ़ रहस्यों को जानने वाले। और रामानंद जी परमात्मा से वो ज्ञान रह रहकर सुना करते थे, उधर से केवल ब्राह्मण वर्ग ही रामानंद जी के पास दीक्षा लेने आ रहा था, कबीर परमेश्वर से ब्राह्मण वर्ग दीक्षा नहीं ले रहा था। तो परमात्मा ने वो भी चाबी लानी थी, क्योंकि बच्चे तो ब्राह्मण भी भगवान के ही हैं। एक दिन परमात्मा बैठे थे स्वामी रामानंद जी के पास, एक शिष्य रूप में रामानंद जी बैठे थे अपनी गुरु रूप में गद्दी पर। एक ब्राह्मण आया महादुखी, सब जगह भटक करके अंत में वो स्वामी रामानंद जी के पास आया था। अब स्वामी रामानंद जी से उसने दीक्षा भी ले रखी थी और स्वामी रामानंद जी के बताए अनुसार उसने साधनाएं अनुष्ठान भी किए, लेकिन उसका कोई संकट निवारण नहीं हुआ। उसके दो पुत्र दो पुत्री थी, पत्नी थी, सभी मानसिक रोग से पीड़ित थे, कोई अपहज स्थिति में पड़े थे, बड़ा कहर टूट रहा था। जब स्वामी रामानंद जी को वो अपनी व्यथा बता रहा था कि महाराज मैंने आपके बताए अनुसार सब साधनाएं कर चुका हूँ और मुझसे कोई लाभ नहीं हो पा रहा, क्या करूँ, तो स्वामी रामानंद जी ने कहा कि देखो भक्त, मैंने जो क्रियाएं बताई इनसे राहत मिलनी चाहिए थी, यदि राहत नहीं मिली है तो ये तेरी किस्मत में लिखा हुआ प्रारब्ध का कर्म है और ये तो ब्राह्मण भोगना पड़ेगा। उदाहरण दिया कि जैसे श्री रामचंद्र जी ने बाली को ब्रह्म पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर साहेब कबीर परमेश्वर अल्लाहु अकबर परम अक्षर ब्रह्म की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं अपने परम पिता को पहचान कर सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार में उपस्थित हुए। धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ और धन्य है आपके पूर्व के संस्कार जिस कारण से भगवान प्राप्त हुआ। अब के आप यदि इस मार्ग को ढंग से अपना कर आजीवन निर्वाह कर दोगे, आपका अंतिम जीवन है मनुष्य का, सदा के लिए सुखी हो जाओगे और सतलोक चले जाओगे जहाँ कभी मृत्यु नहीं, कोई रोग नहीं, कोई वृद्ध अवस्था नहीं, वहाँ ऐसी ही सृष्टि है जैसी यहाँ पर है, ये डुप्लीकेट है वो ओरिजिनल है। आपके वहाँ भी ऐसे परिवार बनेगा, सदा सुखी रहोगे, विमानों में चला करोगे, प्रत्येक प्राणी का वहाँ पर अपना इंडिविजुअल विमान है, इंडिविजुअल बड़े बड़े बाग और बड़े बड़े कोठियाँ हैं, और हमारा वही स्वभाव है इस संसार में, इस गंदे लोक में, अस्थाई सटे में, हम उन्हीं भावनाओं से ग्रस्त हैं, उसी सुख को हम यहाँ बनाकर स्थित और स्थिर होना चाहते हैं, ये हमारी भूल है क्योंकि हमें तत्व ज्ञान नहीं मिला। भक्ति
ना करके हम अन्य कामों पर कार्यों पर अपना जीवन लगाते हैं, कोठी बनाते हैं, कई कई प्लाट लेकर के, कई कई एकड़ जमीन लेकर के, प्रॉपर्टी डीलर बन करके हम यहाँ सुखी और धनी बनना चाहते हैं। ये हमारे तत्व ज्ञान के अभाव की हमारी अज्ञान सोच है। उसके विषय में परमेश्वर ने स्वयं आकर बताया है, पृथ्वीपति चकवे गए जिनके चक्र चलंत, रावण सरीखे कौन गिन भाई ऐसे गए अनंत। सर्व सोने की लंका थी वह रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजे जम के पड़े जजीरम, मर तू सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा यसरे। परमात्मा ने बहुत ही शॉर्टकट में, संक्षिप्त में बुद्धिमान के लिए संदेश और संकेत दिया है कि आप जिस कार्य को प्रथम मानकर कर रहे हो कि ज्यादा धनी बनूं, संसार में मेरी बहुत वैल्यू हो, महिमा हो, मेरी इज्जत बने, किस कारण से? बड़ी कोठी हो, बहुत बड़ा प्लाट हो, कोई फैक्ट्री लगी हो, तब मेरी महिमा बनेगी। परमात्मा कहते नहीं, ये भी भूल से ही आप ऐसी सोच रखते हो। जब आपको तत्व ज्ञान होगा उस समय आपकी ये अज्ञान सोच हटेगी और तत्व ज्ञान के ऊपर आपकी बुद्धि रुकेगी। संकेत दे रहे हैं कि रावण के पास सोने के महल थे, मकान के मकान, और यहीं छोड़कर चला गया और ऐसी दुर्गति से मरा, दुनिया याद रखेगी। कहते भक्ति बिना क्या होत है ये भरम रहा संसार, रति कंचन पाया नहीं भाई रावण चलती बार। ओए होए, कबीर सब जग निर्धना धनवंता ना कोहे, धनवंता सो जानियो जिस पर राम नाम धन होए। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि इस संसार में जहां आप रह रहे हो ये लोक रहने का नहीं है, ये तो एक सजा काट रहे हो आप, एक कैद है बहुत लंबी चौड़ी इस काल भगवान की, और यहां पर सभी प्राणी अपना दंड भोगने के लिए आए हुए हैं। एक मानव शरीर ऐसा बनाया है परमात्मा ने, दया बख्शी है आपको, और इस काल भगवान को एक ऐसा रोग लगा दिया जिस कारण से ये आपको मनुष्य जीवन अवश्य देगा, अन्यथा ये मनुष्य जीवन भी नहीं देता, क्योंकि ये नहीं चाहता कि कोई भी प्राणी मेरे लोक को, मेरी कैद को छोड़कर और उस सुख स्थान पर चले जाएं जहाँ पर भगवान रहते हैं। इसलिए इसने सब अज्ञान फैलवा दिया, भगवान का नाम और निशान मिटा दिया, इन बहुत माइनर पावर वाले, थोड़ी शक्ति वाले इन देवों को भगवान सिद्ध करवा दिया। तो उस अज्ञान को हटाने के लिए परमात्मा स्वयं आते हैं और वो परमात्मा चारों युगों में आते हैं। सतयुग में सत्सुकृत नाम से परमेश्वर आए थे, त्रेता में मुनिंदर नाम था मालिक का, और द्वापर के अंदर करुणामय नाम से परमेश्वर इस संसार में प्रगटे थे। जब भी परमात्मा सत्यपुरुष कबीर जी अपने लोक से यहाँ आते हैं एक लीला करने के लिए, वो सह शरीर आते हैं और सह शरीर चले जाते हैं। इसी प्रकार परमात्मा आज से 600 वर्ष पहले लगभग सन 1398 संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह कमल के फूल पर लहर तारा नामक एक तालाब के अंदर कमल के फूल के ऊपर आकर परमात्मा विराजमान हुए थे शिशु रूप में।
वहां से उनको नीरू नीमा नाम के जुलाहा उठा ले गए थे और धीरे धीरे जुलाहों के यहाँ पालन पोषण होने से उनका जाति सूचक नाम जुलाहा कबीर बना और वो परमात्मा किस उद्देश्य से आते हैं यथार्थ ज्ञान अपनी आत्माओं को समझाने बताने सुनाने के लिए आते हैं। वेदों में प्रमाणित है कि वो परमात्मा सचखंड में सतलोक में रित धाम में रहते हैं, वहां से सहसरी आते हैं गति करके विद्युत जितनी तीव्रता से वो यहाँ आकर प्रकट हो जाते हैं और फिर यहाँ अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं, ये वेद बताते हैं। और वो एक कवि की तरह आचरण करते हुए इधर उधर अपने अमृतवाणी का उच्चारण करके ऊंचे स्वर में लोकोक्तियों के माध्यम से, शब्दावलियों के माध्यम से, साखी और दोहों के माध्यम से अपना ज्ञान स्वयं ही सुनाते फिरते हैं, जिस कारण से उनको एक प्रसिद्ध कवि की भी उपाधि प्राप्त होती है, लेकिन वो परमात्मा होते हैं। और जिन अच्छी आत्माओं को परमात्मा मिले उन्होंने भी यही गवाही दी है। पुण्यात्माओं, परमात्मा का पाना बहुत आसान है, अज्ञानता के कारण हमारे धर्म गुरुओं ने इसको बहुत कठिन बना दिया था। हमारे सदग्रंथ बताते हैं सीधा सा मार्ग है, बिल्कुल सिंपल साधारण सा मार्ग है, रास्ता है, साधना है, परमात्मा का नाम जपना है, नाम से मोक्ष होगा। उसकी सहयोगी क्रियाएं हैं ये पांच यज्ञ हैं, ये भी आप करते रहिए, इतना सा काम है। अपना घर गृहस्थ के अंदर भी जैसी जिसकी सेवा भगवान ने दी है, ड्यूटी दी है, उसको भी करते रहिए और आपको सफलता मिलेगी। जब हम महादुखी हो जाते हैं भक्ति ना करके, और हमें जब तक सुख होता है तब तक तो हमारे पुण्य चलते हैं, जब पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो हम दुखों का पहाड़ झेल रहे होते हैं। तो उस समय चाहे राजा भी क्यों ना हो, परमात्मा की ही शरण जाने की सोचता है। उसको मालूम है कि परमात्मा एक परम शक्ति है और वो दुखी को सुखी करता है। और आप यदि पहले ही भगवान की शरण में होगे तो दुख होंगे ही नहीं। जब तक हम कबीर परमेश्वर की शरण में नहीं आते तब तक हमें अपना प्रारब्ध ही प्राप्त होता है, यानी पूर्व जन्म के अच्छे और बुरों का फल ही मिलता है। और जब हम परमेश्वर कबीर जी की शरण में उनके कृपा पात्र परम संत के माध्यम से आते हैं, फिर पाप कर्म हमें प्रभावित नहीं करते, हमारे केवल पुण्य ही फलते हैं। और प्रारब्ध के अंदर कोई ऐसा बुरा कर्म हमें हानि करने वाला होगा तो वो भी परमात्मा समाप्त कर देते हैं। इसलिए हम भगवान को खोजा करते हैं, इसलिए भगवान की तलाश किया करते थे कि हमें कोई कष्ट ना हो, और भक्ति भी कर रहे हैं और फिर कष्ट ज्योंके तू आ रहे हैं, तो या तो वो भक्ति ठीक नहीं, वो भगवान पूरा नहीं, या फिर आपकी कोई भक्ति में तरुटी है। इन तीन कारणों से ही हम दुख उठाते हैं। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा स्वयं आकर ज्ञान कराते हैं और आपका सौभाग्य कि आप तो पहले ही मालिक की शरण में आ गए हो। जब हम परमात्मा की शरण में आ गए तो घर के काम भी पहले से अच्छे होंगे, क्योंकि हम दुखी होकर भगवान से सुख ढूंढने जाते हैं। आप सुख में आ गए या दुख में आ गए तो अब तो दुख होगा ही नहीं, और जो हो भी गा कोई कर्म सख्त होगा, हल्का करके टाल देंगे, परमात्मा के गुणों में ऐसा लिखा है, और वो यहाँ आपको प्राप्त भी होगा। तो इसलिए कहा गया है कि दुख में सुमरण सब करें, सुख में करे ना कोई, जय सुख में सुमरण करे तो दुख कहे कोई। भाई सुख में सुमरण किया नहीं फिर दुख में करते याद, कहे कबीरता दास की अब कौन सुने फरियाद। अब देखो पुण्यात्माओं, परमात्मा हर तरह से समझाने की कोशिश किया करते थे कि दुख में सभी भगवान को याद करते हैं,
और सुख में भूल जाते हैं। और फिर संकेत करते हैं, यदि आप सुख में ही भगवान की भक्ति कर रहे होगे तो दुख होगा ही नहीं। और फिर संकेत करते हैं कि यदि आप सुख में याद किया नहीं फिर दुख में करते याद, फिर कह कबीर तादास की फिर कौन सुने फरियाद। अब जो भक्त यहाँ दुखी होकर आए हैं वो चिंतित ना हो कि हमने तो अभी दुख में ही याद किया है भगवान को, हमारी फरियाद कैसे लगेगी। ये उनके लिए है जो परमात्मा ठीक ढंग से जिनको मिला नहीं, संत मिला नहीं, और फिर किसी अन्य साधना में और उन भगवानों के आगे जाके आप पुकार करते हो, क्योंकि वो ना आपको हानि कर सकते थे ना लाभ दे सकते थे। कौन कौन? श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी, और इनके अंतर्गत अन्य 33 करोड़ देवता, श्री दुर्गा जी, ब्रह्म और परब्रह्म जिसे सर पुरुष और अक्षर पुरुष कहा गया श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 के श्लोक 16 में। ये आपको केवल वर्क डन दे सकते हैं जैसा आपने पुण्य और पाप किए हैं। और आप आज तक जब आप सुखी होते थे भगवान को याद करते ही नहीं थे, और दुखी होते थे तो इन्हीं के आगे रोते थे, ये कुछ कर ही नहीं सकते। तो परमात्मा उस समय की बात सुना रहे थे कि अब तुम रो रहे हो इन भगवानों के सामने, अब तुम्हारी अर्ज सुनेगा कौन, और अब आगे हो आप उस परम पिता की शरण में जिसका विधान है, जब ही सतनाम हृदय धरो भाई भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की वाई पड़े पुराने गासे। आज आप उस परमात्मा की शरण में आ चुके हो जिनके इस मंत्र में सतनाम में, सतनाम का अर्थ होता सच्चा नाम, राइट वर्शिप, राइट मंत्र यानी ठीक मंत्र, सच्चा मंत्र, उसको सतनाम कहते हैं। प्रथम मंत्र आपको दिया जाता है, ये ओरिजिनल मंत्र है, इसका अभी तक किसी को छींट भी नहीं लगी थी, किसी के भी ये टच नहीं कर सका था कोई भी इसको, तो ये करना अभी था इसको। तो इसका भी जिसको मंत्र प्राप्त हो गया है, इसकी भक्ति करने से भी आपके, क्योंकि प्रथम और लास्ट मंत्र इन सात नामों के अंदर, सात जो आपको जाप करने के मंत्र दिए हैं, इनमें प्रथम और लास्ट मंत्र जो है ये पाप नाशक हैं, और बीच के जो मंत्र हैं इनसे आपकी पुण्य कमाई वृद्धि होती है, बढ़ती है, जो आपको पांच नाम दिए। पुण्यात्माओं, दास आपको बहुत पहले से कहता आ रहा है कि जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले थे, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले थे, आदरणीय धर्मदास साहिब जी से कहा था कि आप जी सतनाम और सारनाम का जाप करते रहना, लेकिन अभी इस सतनाम को और सारनाम को सार्वजनिक नहीं करना, अन्यथा जो समय मैंने निर्धारित किया है जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा, उस समय एक बहुत बड़ी मुहिम छेड़ेंगे, पूरे विश्व को ज्ञान देंगे, सब भक्तों को सच्चाई बताएंगे, तो तब हम उसको नहीं सब उसमें सफल नहीं हो सकेंगे, क्योंकि यदि ये सच्चे नाम ओरिजिनल मंत्र अब सार्वजनिक कर दिए तो काल ने कहा था कि आपके दूत के, आपके संदेश वाहक से आने से पहले मैं नकली पंथ चलाऊंगा और कबीर और सतलोक और सचखंड की महिमा गाया करेंगे, नाम नकली देंगे वो, और वो सभी मेरे ही जाल में फंसे रह जाएंगे। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? बादल दास बड़वानी। सर कहाँ से आए हैं? जिला बड़वानी, इंदौर संभाग, मध्य प्रदेश। सर संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? सर मैंने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा 22 सितंबर 2013 में ली, बरवाला आश्रम से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? हाँ सर, मैं भक्ति साधना करता था,
मतलब मैं बजरंग बली का उपासक था, मतलब मंगलवार का उपास भी करता था, सुंदरकांड मंगलवार शनिवार दोनों समय करता, मतलब शाम के समय करता था, दोनों दिन करता था। और इसके अतिरिक्त जो नवरात्रे का त्यौहार होता है उसमें अनुपासना का हो या जैसी भी, जब तक ज्ञान नहीं था उस समय वो उपासना करी, नंगे पांव रहता था, एक समय नमक खाता था, मतलब जो हमारे बाप दादा परदादा बताते आए हैं उस साधना को हम लेकर चले और उसी के आधार पर भक्ति किया करते थे। जिन देवी देवताओं की आपने साधनाएं की उनसे आपको क्या क्या लाभ हुए? भाई जी वैसे विशेष कोई लाभ नहीं है, सिर्फ एक ये बना हुआ था कि यार कोई भगवान है, मतलब एक आशा थी, बाकी इसके अलावा ऐसा कोई विशेष लाभ नहीं हुआ जिसे मैं बता सकूं कि वही लाभ है। सर फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज के शरण में से आए, हमारे ससुर जी हैं टीकमगढ़ जिला पृथ्वीपुर तहसील ग्राम टोडी से, शालिग्राम भगत नाम है। तो मैं जब वहां पर गांव गया, संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताया गया ज्ञान उन्होंने मुझे समझाया, तो मुझे सुनने के बाद पहले तो बिल्कुल मैं बौखला सा गया कि मैंने कहा ये क्या ज्ञान है, कोई समझ में नहीं आया, क्योंकि पहली बार जब सुना था तो बड़ा विचित्र लगा था। लेकिन फिर मैंने उन्हें आश्वासन दिया था कि मैं इस ज्ञान को जाकर समझूंगा, आप जो पुस्तक दी उन्होंने मुझे ज्ञान गंगा, उस पुस्तक को मैंने पढ़ी, उस पुस्तक को पढ़ने के बाद मैंने 3-4 महीने सत्संग सुना, उस सत्संग को सुनने के बाद हमारे बड़वानी के एक भगत जी हैं मनोज भगत जी, उनके द्वारा मुझे पता चला कि इन्होंने भी दीक्षा ले रखी है, तो मैंने उनसे संपर्क किया कि आप मुझे बरवाला लेकर चलो, मैं भी वहां पर गुरु जी से दीक्षा लूंगा, मतलब ज्ञान समझने के बाद ये मैंने निर्णय लिया। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ प्राप्त हुए? जी सर, संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद कई लाभ प्राप्त हुए हैं, लेकिन मैं 2-4 लाभ बताऊंगा। सर सबसे बड़ा लाभ तो वो है यो कि जब से मैं समझदार हुआ था, मतलब एक बच्चा जब रहता है 5 साल तक तो वो समझता है जो माँ बाप बताया करते हैं, लेकिन जब से मैं मैच्योर हुआ मुझे समझदारी हुई कि ये सही है ये गलत है, उस समय से मुझे ऐसा लगा कि यार ऐसा तो कोई स्थान है जहाँ से हम आए जहाँ हमें जाना है, मतलब एक मन में जिज्ञासा थी कि यार ये आत्मा कहाँ से आई और कहाँ जाना है। तो उस आत्मा का जो निजधाम सतलोक जिसके बारे में जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने हमें बताया, तो वो मोक्ष मार्ग हमें मिला है। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण, मतलब मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा और अहम लाभ है जिससे हमें इस 84 लाख योनियों से पार करने के लिए यही सही और सही सार्थक रास्ता है। और इसके अलावा सर कहना चाहूँगा कि आर्थिक लाभ भी काफ़ी हुए हैं, कुछ गलत विसंगतियाँ होने के कारण मतलब थोड़ा सा भटक गया था मैं, मतलब इस शरीर के अंदर व्यसन नाम की चीज़ आ गई थी, जैसे गुटखा खाना, शराब पीना, बहुत गंदी आदत हो गई थी, तो उस आदत के मारे मैं भी परेशान था, मेरे घर वाले भी परेशान थे, लेकिन ऐसा कोई विचार ही नहीं आता था मन में कभी कि यार इन चीज़ों से मैं दूर हो जाऊँ। लेकिन जब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से जब हमने नाम उपदेश लिया प्रथम, तब हमें उस मंत्र से हमारे जो अंदर मन में विकार थे उन विकारों को बाहर आने में काफी सफलता मिली, मतलब शास्त्रानुकूल साधना से जो मन में विकार बने हैं वास्तव में हमें पता चला है कि हम किस मार्ग में चल रहे थे, क्योंकि तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने ये बताया, हमने अभी तक ये सुन रखा था कि सिर्फ शरीर में कण कण में भगवान है, लेकिन जब उन्होंने मूल सहित पूरे कमलों सहित हमें बताया कि हमारे इस शरीर के इस भाग में यहाँ पर ये देवी देवता विराजमान है, जब हम इन चीजों का व्यसन करते हैं तो वो उन कमलों से वो चीजें होकर गुजरती थी, तो एक मन में झटका सा लगा कि यार हम जिनकी साधना, एक तरफ तो हम भक्ति कर रहे हैं बजरंग बली की, दुर्गा देवी की, शिवरात्रि आई तो उपास करा, सभी चीजें, और एक तरफ व्यसन को भी लेकर चल रहे थे, जो नशे का विकार था काफी समय से चले आ रहा था, मैं उसे दूर नहीं हो पा रहा था, लेकिन जैसे ही जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से प्रथम नाम लेने के तुरंत बाद मुझे ये सबसे बड़ा लाभ हुआ कि मैं इस नशे से बिल्कुल दूर हो गया, और इस नशे से दूर होने के बाद मैंने ये ठाना है कि यार ये जो व्यसन है, जो भक्ति मार्ग गुरु जी ने बताया संत रामपाल जी महाराज ने, वो इतना बढ़िया है कि मतलब इस मात्र नाम सुमिरन से अगर हम इस चीज से दूर हो सकते हैं, तो आज भारत सरकार लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, नशा अभियान चला रही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उन्हें सफलता नहीं मिल रही है, लेकिन परमात्मा साकार संत रामपाल जी महाराज के रूप में अवतरित है, उन्होंने ये सिर्फ नाम मात्र से हमारे नशे नाम को इस शरीर से दूर हटा दिया है, ये सबसे बड़ा लाभ। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से जब मैंने प्रथम नाम उपदेश लिया, उसके करीबन 1 महीने के लगभग जब मैं अपने घर सोया हुआ था, और दरबार साहेब मेरे कमरे में ही बना हुआ था, तो वहां पर मैं जब सोया था तो मैंने एक ऐसी कोई शक्ति आई थी जिसे मैंने देखा नहीं उस समय, क्योंकि मैं हल्की सी नींद में था, लेकिन वो जैसे मेरे सीने पे आकर बैठा तो एक बड़ा विकार था, ऐसे बड़े बड़े बाल थे और ऐसे बड़े बड़े दांत थे, और उसने मेरा गला इतनी जोर से दबाया कि अगर मैं 10 या 15 सेकंड भी रुक जाता सर,
तो ये मान के चलो कि शायद वो मेरा अंतिम दिन था। और जैसे ही मैंने फिर मुझे ध्यान आया कि हम तो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में है और कहीं ऐसे चमत्कार है जो परमात्मा ने किए, तुरंत 2 मिनट मतलब 10 सेकंड के अंदर ऐसा विचार आया और मैंने जो प्रथम नाम ले रखा है हमारे गुरु जी से, संत रामपाल जी महाराज से, उसका सुमिरन किया। बड़ी मुश्किल से 3 या 4 बार मैंने प्रथम नाम का सुमिरन चालू किया तो तुरंत वो जो भी शक्ति थी जो मुझे मारने आई थी या जो भी था वो ऐसे उड़कर भागा खिड़की से जैसे एक चिड़िया खिड़की से निकलकर उड़ जाती है। मैंने उसे देखा और जब मैं जब उस घटना से उठा तो मेरे साथ जो भगतमती थी साथ में मेरे, तो वो उठकर घबरा कर उसकी भी नींद खुल गई। मतलब जैसे हम फांसी के फंदे पर लटकते हैं और हमें अंदरूनी उससे बचा लिया करता है, तो इतना खतरनाक गला दबा कि मतलब 15 मिनट तक तो मेरी खांसी बंद नहीं हुई उससे। मतलब 15 मिनट तक तो मैं ऐसा सोचा करा, फिर मैंने उस समय भगतमती मैंने कहा ये डर नहीं जाए कि क्या होगा, तो मैंने वो घटना उनको उस समय नहीं बताई क्योंकि सर करीबन 12:30-1 बजे रात की बात थी। उस दिन अगर मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में नहीं होता तो शायद मेरा वो जीवन का आखिरी दिन था और ये मेरा जीवन दान है ये मानकर चलो। सर आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज से 2013 में नाम दीक्षा ली, लेकिन संत रामपाल जी महाराज 2014 के बाद से जेल में हैं। फिर आपको ये नहीं लगा कि आपको अन्य गुरु की शरण में चले जाना चाहिए क्योंकि संत रामपाल जी महाराज तो आज जेल में हैं। संत रामपाल जी महाराज द्वारा प्रथम मंत्र जो मिला है उसमें इतनी शक्ति है कि उसके सुमिरन मात्र से हमारी जो कैंसर जैसी भयानक बीमारियां हैं वो भी दूर हो रही है। और आज लाखों भक्तों ने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेकर अपनी ऐसी भयानक बीमारियों को दूर किया है। और एक यही पूर्ण संत है जो पूरे विश्व में हमें बीमारियों के साथ साथ पूर्ण मोक्ष का भी वादा करते हैं और पूर्ण मोक्ष दिलाएंगे। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि इनके अतिरिक्त पूरे विश्व में कोई संत नहीं है जो हमें पूर्ण मतलब देवी देवताओं के सारे मंत्र, सतपुरुष कबीर जी का मंत्र, ये सारे मंत्र जो दिए हैं, इन मंत्रों का जाप करने से हमें कई लाभ हुए हैं और यही एक मंत्र है जो सही है और सही मार्ग में ले जा रहे हैं हमें। ऐसी साधना, सच्ची साधना जो संत रामपाल जी महाराज ने दी है, तो इस सही साधना भक्ति विधि को संत रामपाल जी महाराज को छोड़कर कहीं और किसी की शरण में जाने का सवाल ही नहीं उठता। सर विश्व में आज टीवी पर आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो जो लोग आज आपको देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? मैं आज जो लोग मुझे टीवी पर देख रहे हैं मैं उन्हें एक ही संदेश देना चाहूंगा कि परमात्मा कबीर साहेब जी जो अपने अंश रूप में संत रामपाल जी महाराज के रूप में इस धरती पर आए हैं, आप देर न करो और परमात्मा के इस नाम उपदेश को लेकर अपने पूर्ण मोक्ष का रास्ता निर्धारित करो और इस 84 लाख योनियों से छुटकारा पाओ और सच्ची भक्ति, सही मार्ग, सही संत और पूर्ण उपदेश देने वाले आज संत रामपाल जी महाराज के शरण में आओ और अपना कल्याण कराओ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने का एक बहुत ही सरल तरीका है। कई धार्मिक चैनलों पर आज संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है, उन सत्संग के समय पर एक नीचे टीवी पर पट्टी चलती है, उस पट्टी पर कुछ मोबाइल नंबर दिए हुए रहते हैं, उन मोबाइल नंबर पर आप संपर्क करके जिस जिले में भी जहां पर भी परमात्मा की दया से नामदान स्थल खुला हुआ है उन नामदान स्थलों का पता ले सकते हैं। और जो गुरुजी संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक है जीने की राह, ज्ञान गंगा, गीता तेरा ज्ञान अमृत, वो मंगाकर आप उसे पढ़कर पूरे ज्ञान को समझकर परमात्मा की शरण में आकर नाम उपदेश ले सकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222-880-541, 8222-880-542, 8222-880-543, 8222-880-544। हमारी वेबसाइट है www.jagatgururampal.com।